लेकिन झारखंड के सहायक आचार्य के भी वैकेंसी निकले वाला हो और में नियमावली में लिख दिलो कि भारत के नागरिक फॉर्म भर सकता है, तो ये कितना गड़बड़ हो। बिहार में हो कि बिहार के निवासी फॉर्म भर सकता है, मध्य प्रदेश में हो कि मध्य प्रदेश के निवासी फॉर्म भर सकता है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के निवासी फॉर्म भर सकता है, लेकिन झारखंड में पूरा भारत के नागरिक फॉर्म भर सकता है। अगर खतियान के आधार पर परिभाषित नहीं करते हैं तो हम लोग आने वाले समय में आर्थिक नाकेबंदी या युग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। का लगो इस सत्र में जब बात उठ तो पाँच दिन तक चलते ही वाला सत्र, तो का लगो नियोजन नीति वाला बन जी तो खतियान आधारित। जोहार, तोहिन सब देखे लाला लोकल खबर, हम क्यों तोहिन के साथ श्यारतन। और इस समय विधानसभा में मॉनसून सत्र चल लाल है और मॉनसून सत्र के ठीक विधानसभा के पीछे जहां पे धरना के केंद्र बनावल गेल है वहां पर धरना दिया जा रहा है 2 दिवसीय। और एकर में जयराम महतो आए हथिन जे झारखंडी खतियान भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले 2 दिवसीय धरना भे लाल है। और हमारे साथ हथिन अभी मोतीलाल महतो, हम एक से बात करबे कि एक बार फिर इस सब जे विधानसभा के घेराव कर ले हथिन 1932 के मांग के लेकर, पर सरकार बस आश्वासन दे के टाल दिले हल और अभी फिर से मानसून सत्र चल रहा है, सब फिर धरना में बैठल हथिन, तो का कहथिन इस बार। तो मोतीलाल जी, सबसे पहले तो तोरा बहुत बहुत जोहार है हमारे चैनल में। आपका भी जोहार है। खोटा में है। तो नहीं, पिछले बार भी विधानसभा घेराव कर ले ली जब बजट सत्र चल हलो तो सरकार के तरफ से बस आश्वासन मिल रहे हलो, और अभी मॉनसून सत्र चल रहा हलो, अभी फिर तो नहीं धरना दिए लालो, तो का कुछ लागो कि आश्वासन मिलते किस बार काम भी भेतो? काम तो भे रहलो, काहे कि देखिए काम भे रहलो, तकरे तहत अभी समिति गठन कर गए हो, स्थानीय समिति स्थानीय बने के बात हो रहा, मतलब खतियान आधारित वो लागू 1932 होतो या 1964 होतो, लेकिन खतियान आधारित बने के बात हो रहा, काहे कि अभी उप समिति बनल हो जकर में से 2 विधायक और 2 IAS इस तरह से कमेटी बनल हो एगो, तो इससे आंदोलन का ही नतीजा हो कि सरकार धीरे धीरे समिति बना रहलो। और अभी हमने एगो मांग हलो कि डबल वोटर ID कार्ड जो हो वो रद्द होना चाहिए, तो अभी भी आज देख लियो ऐसे शुरू हो गलो कि वोटर कार्ड हो जो आधार से लिंक होतो और जो डबल वोटर हो कर एगो रद्द होतो, तो एक कहीं ना कहीं आंदोलन के ही नतीजा हो कि उटा माइन हो गलो। और दूसरा अगर समिति बन चुकल हो तो बहुत जल्दी हो सको हो कि लागू भी हो जितो, काहे कि तनी सरकार डगमगाया गलो, डगमगाए स्थिति में हो, इसलिए तनी दिक्कत भे रहलो, लेकिन आंदोलन इस तरह से दबाव बनते रहते तो सरकार बैकफुट पे तो आज ने कल लागू करते। और जो 1932 के मांगों से तो पूरा भेजित, और झारखंड के मूल निवासी जब हथिन उकिन के अपन हक अधिकार पहचान मिल पाते कि जे लेके हियाँ के युवा दूसर राज्य के प्लान कर ला लथिन उस सब ना भेते? हाँ देखिए, जब स्थानीय जब खतियान आधारित स्थानीय परिभाषित हो जाएगा और स्थानीय के आधार पर नियोजन जब बनेगा तो अपने पलायन रुकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखिए आज झारखंड में 5 लाख नौकरी है, 5 लाख में 3.5 लाख पोस्ट खाली है, और प्राइवेट का मतलब एक सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में केवल 10,000 इंडस्ट्री है, वैसे वैसे कितना झारखंड में इंडस्ट्री है, CCL है, BCCL है, टाटा है, मेदांता है, सर बहुत सारा कंपनियाँ हैं। तो अगर स्थानीय और नियोजन नीति परिभाषित हो जाते, आनी हमने जैसे मांग हो कि CRD के नियोजन में CRD में 75% यहाँ के 90% यहाँ के लड़कों का होना चाहिए, यहाँ के लोगों का होना चाहिए, और ऑफिसर के पदों में 75% यहाँ का और 25% बाहर के लोगों का होना चाहिए, अगर वो चीज़ लागू हो जाता है तो अपने आप यहाँ पर रुकेगी, लेकिन यहाँ के नीति खराब होने के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। देखिए हम थोड़ा देखो यो, जैसे अगर मैं लिखा लो कि बिहार के निवासी ही बनेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक, वहाँ के नीति हो है न, और वैसा कुछ ना हो, यहाँ करा देखिए वो बिहार में लिखा लो बिहार के टीचर के वैकेंसी अगर में निकला लो बिहार राज्य के निवासी ही फॉर्म भर सकते हैं, और में टीचर वाला में लिखा लो कि ओनली बिहार पीपल कैन अप्लाई, वह कर सको ओकरे में अनुमंडल के हो वहाँ करा अनुमंडल में वहाँ करा लेटर जारी होलो कि अन्य राज्यों के व्यक्ति महिलाओं को बिहार राज्य के स्थायी निवासी प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करने के संबंध में वहाँ करा लिख ले हो सरकार दे लेटर जारी कि यहाँ के निर्गत ना हो, ऐसा ही नीति हमने झारखंड में बनवल कोई तो अगर उम्मीद हो कि इस बार वैसा कुछ नीति बन तो वैसने नीति हो। देख वहाँ करा एगो हमने आदमी हलो झारखंड के अभ्यर्थी नीरज कुमार, काउंसलिंग इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि वह झारखंड का निवासी नहीं हो, तो मतलब वहाँ बाहर के निकाले के बहुत सारा प्रमाण हो है ना इस तरह से, लेकिन यहाँ झारखंड में उस तरह की नीति ना बना लो। ये मध्य प्रदेश के लोगों यहाँ लिख लियो कि मध्य प्रदेश में सिर्फ वहाँ के मूल निवासी ही नौकरी सरकारी नौकरी ले सकते हैं, इस तरह से सब में लगा लो, सब स्टेट में इस तरह लगा लो। हाँ लेकिन झारखंड के सहायक आचार्य के भी वैकेंसी निकले वाला हो और में नियमावली में लिख दिलो कि भारत के नागरिक फॉर्म भर सकता है, तो ये कितना गड़बड़ हो। बिहार में हो कि बिहार के निवासी फॉर्म भर सकता है, मध्य प्रदेश में हो कि मध्य प्रदेश के निवासी फॉर्म भर सकता है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के निवासी फॉर्म भर सकता है, लेकिन झारखंड में पूरा भारत का नागरिक फॉर्म भर सकता है, तो वह नीति हमने कोई कि यहाँ केवल यहाँ झारखंड के निवासी ही क्यों नहीं फॉर्म भर सकता है। इसी तरह देख ये झारखंड में हो वह टीचर वाला में लिख लियो, पेपर छाप लियो, पेपर के पेपर कट लगो, देख लिख लियो
प्राथमिक शिक्षक नियुक्तियों में नियमावली से बाहरियों प्रवेश का खुला द्वार, मतलब झारखंड में, झारखंड के लोग कहाँ जीते जब बाहरी लोग यहीं आके नौकरी करते, हमने कहाँ जीवे। तो वह नीति बनवे बात लगो, देख अगर मैं MBBS सीट में हो कि अगर स्थानीय न्याय लागू होवे कारण देख की होलो से नियम में खिलवाड़, नामांकन के लिए झारखंड के निवासी होना अनिवार्य है, फिर भी लिस्ट में बाहरी लोगों का राज्य, बाहर राज्यों के छात्रों का राज्य है, ठीक है, MBBS में झारखंडियों का हक मार रहे हैं बिहारी छात्र, हमें नहीं कह रहा, ये डाटा हो, ये डाटा कह रहा लो, तो ये बात हो, तो इसे अगर नीति लागू हो जाए तो सही से खतियान लागू हो जाए तो यहाँ के छात्र के मतलब अति फायदा है। तो कैसे कि अगर बच्चा 100 में फाइट कर लो तो 50 में फाइट कर, तो अब देखिए वो यहाँ पर बिहार से मारपीट कर भगाया गया, ये झारखंड के लड़का लगाओ बिहार में टीचर में अगर फैल लो, बिहार के अरवल जिला में 7वां रैंक लान ले लो, नाम लो उमेश महतो, ये रामगढ़ के लोग अगर मार के भगा दे तो देख दूसर, हाँ दूसर राज्य में नौकरी कर जाए तो वहाँ से मार के भगा दे, और झारखंड में तो नहीं आएगा। देखिए अभी सरकार एक नीति लान लियो, यस हेमंत सरकार ने एक नीति लान लियो कि जे देखो वह लिख रहा लो, बिहार के मूल, बिहार मूल की सरकारी सेवकों की संतान का बनेगा जाति प्रमाण पत्र। तो तू बता कि जे हियाँ से जो नौकरी कर बिहार गए थे, है ना, 25 साल 30 साल या सरकारी नौकरी अगर हूँ रिटायर कर लेते अथी कर लेते, तो कि हुआ के छात्र के हमने की यहाँ कर उल्टा जो हियाँ से गए थे कि बच्चा के वहाँ बनते नहीं बनते, लेकिन हुआ से जे आल हूँ यहाँ जाति प्रमाण पत्र बनतो, तो मतलब कि यहाँ के हक मराए रहें कि नहीं मराए, वह खातिर कोई यहाँ खतियान को परिभाषित की दिए और खतियान के आधार पर स्थानीय बने, स्थानीय के आधार पर नियोजन नीति बने, और तो के मांग हो। अब देखिए किस तरह से फर्जीवाड़ा है वो झारखंड में देखिए, यहाँ लिख लियो कांटा टोली में 1600 से 3000 रुपये में बन रहा है आपका फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और स्थानीय निवासी ये सारे प्रमाण पत्र बन रहा है। तो देखिए हमने जगह कितना फर्जी तरह, अगर खतियान रहते खतियान से अगर स्थानीय बनते तो फर्जी भेबे नहीं करते, क्या कि जगह पास खतियान हो और स्थानीय बनते और वह स्थानीय बनते तो आधार पर नियोजन बनतो, और तो जब इस दोनों हो जी तो अपने आप यहाँ झारखंड के बच्चा के नौकरी लागतो, और नीति नियामली के नाय भेवे के कारण देखिए कितना नौकरी फंस रहा है, जैसे CGL 2016 में निकल ले रद्द भले, एग्जाम भले रद्द भले, फिर वह 2019 में निकल ले, है ना, 2019 में निकल ले, फिर 2019 में निकल ले, फिर वहटा फिर रद्द हो के फिर 2022 में निकल ले, फिर 2020 में भी एग्जाम के डेट हल 21 अगस्त के फिर रद्द हो गए खाली नीति के कारण, फिर जैसे JEE हल 2014 में वैकेंसी हल तो वहटा फिर रद्द हो गए और 2022 में निकल ले, 8 साल बाद निकल ले से पेपरवा लीक भे गए फिर एक रद्द कर दिए गए, तो कितना यहाँ के बच्चा शोषित हती, कितना पीड़ित हथिन यहाँ के छात्र। और बाद JPSC के हर साल एग्जाम भेवे चाहिए, लेकिन 2016 में एग्जाम होने के बाद डायरेक्ट 2022 में होगा, यानी 5 साल बाद खाली व्यवस्था तो पूरा लचर हो। आप देखिए यहाँ लिख लियो आरक्षण का लाभ लेकर बिहार निवासी झारखंड में बना दरोगा, कहे खतियान लागू ना हो, स्थानीय परिभाषित ना हो इस तरह से, ठीक है। अब देखिए उटा तो छोड़ दी, सरकारी सेवक जो बनना हो बनना हो, कांके के विधायक समरी लाल का जाति प्रमाण पत्र किया गया, कहे अच्छा ये वाला जब तो दिखाई ली कि कांके विधायक समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र मतलब कि गलत तरीके से बनावल गेले फर्जी है, तो अभी तक ओकर विधायिका नहीं खत्म है, लेकर मैं क्या कहे वह है ना, कोई यहाँ कर कितना छल कपट हो कि इतना हो गलत बात भी ना हो रहा, तो सोचे वाली बात हो कि कितना यहाँ करप्शन हो। अब देखिए फर्जी फिर सर्टिफिकेट के आधार पर नेत्रहाट में नामांकन, अब हमर बच्चा कहाँ जीते बता, आए हमर बच्चा हुआ कर कहाँ बने झारे, और हियाँ के जकर हमर ईटा बने में नेत्रहाट स्कूल बने में हमर जल गए, हमर जंगल गए, हमर जमीन गए, हमर पानी गए, हमर बिजली गए, हमर सब संसाधन गए, लेकिन हमर बच्चा बने झारे और बाहरी के बच्चा यहाँ कर पढ़ रहा थूँ। अभी तो जंगल जंगल जमीन के बात कर ली, अभी तो नहीं बोलल कि यहाँ दूध दवे से धरना दे लाली, तो कोई अलो बिहार से तो नहीं धरना में बैठा ली, तो कोई अलो नहीं। देखिए हम लोग को ये सत्याग्रह है, सत्याग्रह गांधी बाबा जो थे, गांधी बाबा का कहना था कि अहिंसात्मक तरीके से जो सरकार की बातें मनाई जा सकती है वो सबसे बड़ा हथियार होता है अहिंसा, तो उस आधार पर हमें संवैधानिक तरीके से एकदम अहिंसात्मक तरीके से हम लोग आंदोलन करने आ रहे थे, और मीडिया और सोशल मीडिया और अज्ञापन के माध्यम से सरकार को हम लोग आगाह करना चाहते थे कि अगर स्थानीय अगर खतियान के आधार पर परिभाषित नहीं करते हैं तो हम लोग आने वाले समय में आर्थिक नाकेबंदी या उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं, तो जब तक हो सके कि अहिंसा का हथियार नहीं छोड़ना चाहिए, जब अहिंसा का हथियार जब तक है तब तक उसके आधार पर चलना चाहिए, जब वो बात ना बने तब हिंसा का ये रास्ता अपनाना चाहिए। अब देखिए उसी में फिर आगे बढ़ते हैं, तो यूपी बिहार के अभ्यर्थी फर्जी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के माध्यम से कर रहे हैं खूंटी जिला में नौकरी, ये टीचर बना लगते 2018 में रघुवर दास के सरकार में, बता कहे खतियान परिभाषित ना हो, यहाँ के फर्जी आय के सर्टिफिकेट बना लो थून, यहाँ से नौकरी कर लो थून। अगर हम डाटा दे सको गोड्डा और गिरिडीह जिला में 52 गो टीचर के वैकेंसी हल इंग्लिश में, जगह में 48 गो बहरियों के नौकरी भेल ले, सोचिए
केवल खतियान ना हो के कारण, खतियान ना हो, परिभाषित ना हो, कोई भी आय के स्थानीय यहाँ बना लो तो खतियान अपन घरे रख लो या नौकरी बाहरी ले लो। तो लागो कि इधर दो दिवसीय धरना तो नहीं दिलाली तो नीति बन जी, तो जे 21 साल में अभी तक झारखंड के लोगन के सब अभी हक अधिकार ना मिलने खतियान बन पहले तो दो दिवसीय धरना दिए से बन जितो। देख आंदोलन ही रास्ता हुआ आदमी की, आंदोलन ना करते तो कैसे तो लागू करे में, अपने सरकार तो लागू करल जा ना रहो, तो आंदोलन से असर पड़ो है सरकार के, असर ना पड़ो तो अभी समिति कैसे बन गए, आंदोलन के ही नतीजा है। अभी डबल वोटर आईडी कार्ड आधार से कैसे लिंक भेल जा रहा है, तो इस सब में हो है भाषण सुधार हो। अभी हमने आंदोलन का ही नतीजा है कि बोकारो धनबाद से जो भाषा डालल गए उल्टा बाहर करल गए, तो आंदोलन किए हैं तो भत आगे तनी मेहनत लागो, जखन झारखंड अलग करे के बाद चलो तखनों लोग मजाक उड़ बोलथिन कि ना झारखंड इटा संभव ही ना हो, है ना। लेकिन 88,000 कुर्बानी के देना के बाद, 88 साल के संघर्ष के बाद झारखंड अलग भले, उसी तरह से अभी 6 महीना के ही संघर्ष, 6 महीना ना भले, 6 महीना के ही संघर्ष हो, जखन में 2 महीना तो आचार संहिता ही लागल रह गए, तो अभी इतना जल्दी कभी खतियान लागू हो जी तो नहीं भेतो, तो धीरे धीरे सरकार पर दबाव बनवे होते तकर बाद जाके सरकार झुकतो और लागू करबे करते। अच्छा एगो और बात, जब भाषा खातिर जे आंदोलन भेल हलो तो दू गो संगठन आयल थो, एगो तोहनी के और एगो भाषा संघर्ष समिति के, तो अभी के दोनों मिलल हथुन कि अलग अलग फिर से चल आल? दोनों एक ही है, जैसे क्या था कि वो भाषा संघर्ष झारखंड भाषा, जैसे भाषा का लड़ाई था ना, तो भाषा में अब क्या किया गया कि वो भाषा का तो मुद्दा सॉल्व हुआ नहीं, तो हम लोग एक खतियानिक शुरू हो गया, तो इसलिए हमने झारखंड भाषा खतियान जोड़ दिया उस पर, खतियान को लेकर वो भाषा का लड़ाई लड़ रहा था, हम लोग खतियान की लड़ाई। तो अच्छा, हम अभी तो दो दिवसीय धरना दे लाले और अमित महतो जब पार्टी बने लो कल घेराव करे ले, तो का कहे चाहिए कर में? देखिए वो भी यही मांग कर रहे हैं, हम लोग भी वही मांग कर रहे हैं, तो एक के साथ एकजुटता में कहा है ना, अलग अलग कहा है ले? नहीं नहीं देखिए वो एक ही मांग एक ही है ना, सरकार पे दबाव बनना चाहिए, हम लोग को तो मेन मकसद है लागू कराना, जैसे भी हो चाहे अलग अलग संगठन करे, दुनिया में इतना झारखंड आंदोलन चल रहा था उस समय 87 संगठन था, तो ऐसा नहीं है, संगठन चल रहा है तो अच्छा है ना कि दबाव बनेगा सरकार पर जल्दी से जल्दी लागू करेगा, तो सबका अपना अपना होना चाहिए। तो क्या लगो इस सत्र में जब बात उठ तो पाँच दिन तक चलता तो ये वाला सत्र, तो क्या लगो नियोजन नीति वाला बन जी तो खतियान आधारित? हाँ बने तो चाहिए, कहे कि अभी एक दिख रहे विधायक जी लंबोदर माते बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, जो हमारी बातों को लगातार उठा रहे हैं कि एक ही विधायक अभी हैं, हम लोग चाहते हैं कि 80 विधायक जितना है, 80-79 विधायक जितना भी है एक छोड़ के, बाकी वो सारे बातें वहाँ पर उठाएँ, है ना। खास करके बीजेपी वालों से आग्रह करना चाहेंगे कि वो तोहनी बात उठा, नहीं तो तोहनी यहाँ झारखंड में राज करे वाला लाया ही तोहनी, काहे कि तोहनी एकदम तोहनी बाहरी पार्टी घोषित हो जा रहे हैं, इतना आंदोलन भर रहे लेकिन एक बार भी तोहनी ना उठा रहे, अगर मतलब तोहनी की चाहूँ कि यहाँ के लोग कहाँ जीते, यहाँ के लिए नीति नियमावली बने चाहिए कि नहीं बने चाहिए? अभी जैसे तो कह ली कि बीजेपी वाला सब बात उठाए चाहिए सबके, तो जब सत्र चल रहा है तब बीजेपी वाला सब धरना दोलती सदन के बाहर की भाषा अंगिका मैथिली सब लागू करे चाहे, जब लागू भे गए तो विरोध कर रहा थी। देख जैसे बीजेपी फिर भाषा के उग्र आंदोलन बीजेपी के हमने बाहरी पार्टी मानो, बीजेपी यहाँ पार्टी लगभग ना करो, इसलिए यहाँ के सोचबे ना करो, हमने साउथ के तर्ज पर कोई बीजेपी वहाँ देख सेंट्रल में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्षेत्र में क्षेत्रीय पार्टी राज है, इसमें सोचना चाहिए आसू और ये जेएमएम को, क्योंकि देखिए नेशनल पार्टी कभी भी रहता है तो वो नेशनल के बारे में सोचता है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी कहाँ जाएगा है, तो उसको भी ज़्यादातर सोचना चाहिए जेएमएम वालों को और आसू वालों को कि हमें लागू करें, ताकि उनकी जो भावनाएं हैं क्षेत्रीयता की जो भावनाएं हैं उन लोगों के साथ जनता के साथ जुड़ा रहे और जनता उनका समर्थन देते रहे और आगे सत्ता पर राज करते रहें, तो अगर ये भावना को समझ पाते तो शायद लागू कर देते, लागू कर देंगे जनता समझेगी भी कि लागू किया है तो हम इसको आगे भी जिताएंगे, इसलिए सोचना चाहिए सरकार को।